दक्षिण भारत में पैदा होने वाली कॉफी की फसल अब हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों में भी लहरा रही है, जहां पर हिमाचल प्रदेश के किसान बंदरों जंगली जानवरों के नुकसान के कारण खेती बाड़ी छोड़ चुके हैं। करीब 65% प्रदेश की भूमि बंजर हो चुकी है। जंगली जानवरों व आवारा पशुओं के कहर से प्रदेश की किसान बेहाल है। उनके पास सिवाय पारंपरिक कृषि के अलावा कोई आय को बढ़ाने का विकल्प भी नहीं है। अगर आज की परिस्थिति पर नजर डालें, तो पिछले कई वर्षों से प्रदेश सरकार ने केवल एक योजनाओं पर ही काम किया। धरातल पर कोई भी योजना किसानों की मदद नहीं कर पाई, जिसके कारण आज प्रदेश के किसान कृषि बागवानी छोड़ने को मजबूर हो गए। उनके लिए कॉफी की फसल वरदान सिद्ध हो रही है। जिला बिलासपुर के घुमारवी उपमंडल की पंचायत महाराणा के गांव मंजौटी के रहने वाले डॉक्टर विक्रम शर्मा ने अपने घर में कॉफी का उत्पादन कर दूसरों के लिए मिसाल और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर उभरे हैं। डॉक्टर शर्मा ने खुद कॉफी के पौधों को उगाने के साथ हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के किसानों के लिए मुफ्त में पौधे बांटकर किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने का बेड़ा उठाया। कॉफ़ी हिमाचल प्रदेश में मैं 1999 में लेके आया था, और कॉफ़ी एक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक फसल है, जैसे सभी जानते हैं इसके बारे में। परंतु ये उत्तरी भारत में ना होते हुए ये दक्षिणी भारत में कर्नाटका से शुरू हुई थी। तो कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश की जलवायु में जब मैंने थोड़ा सा एक आपस में एक समानता देखी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको अपने हिमाचल प्रदेश के निचले क्षेत्र में उगाएं। मैं इसी यहाँ पे लेके आया। 5 वैराइटीज को मैंने यहाँ पे टेस्ट किया था, जिसमें से 3 वैराइटीज कामयाब हुई। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट रहा, और मैं इसके ऊपर जो है वो पिछले 20 सालों से लगातार कार्यरत हूँ। आज ये जो प्रोजेक्ट है, ये हिमाचल के तकरीबन निचले क्षेत्र में सभी जगह फैल चुका है। परंतु इसमें कमी रही कि आज तक किसी सरकार ने इसके ऊपर प्रॉपर से ध्यान नहीं दिया। अभी हाल ही में हमारी नई जयराम सरकार आई है, उसमें हम इस प्रोजेक्ट को बड़े विस्तार से ले रहे हैं, और बहुत जल्द इस प्रोजेक्ट को हिमाचल के वाणिज्यिक फसलों का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके लोगों को इसके लिए जागरूक किया जाएगा। एनस्टार न्यूज के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जम्वाल की रिपोर्ट।